नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंगोला देश के बारे में और उसकी करेंसी के बारे में। दोस्तों, अंगोला सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है और ये सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका के अंदर। इसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ है और ये आज़ाद होता है पोर्चुगीज़ से। अंगोला आज़ाद होता है 11 नवंबर 1975 को और यूनाइटेड नेशन में इसको फुल स्टेट यानी फुल कंट्री की मेंबरशिप मिलती है 22 नवंबर 1976 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया इसका 22वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और आबादी हमने इसकी बताई वो है तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ के बीच। ये काफ़ी गरीब कंट्री है दोस्तों अंगोला, क्योंकि पोर्चुगीज से आज़ाद हुआ है तो फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी बहुत यूज़ होती है वहाँ पर। सेकेंड थिंग, जो अंगोला है वो सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका के अंदर, जो कि बॉर्डर्ड है नामीबिया से साउथ में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से नॉर्थ में, जाम्बिया से ईस्ट में और अटलांटिक ओशियन से वेस्ट में। अंगोला जो है वो कॉन्गो के आसपास ज़्यादा इसका प्रभुत्व था पुराने टाइम में। और जो यहाँ की कैपिटल है वो है लुआंडा इसकी जो कैपिटल है अंगोला की। अगर हम बात करें करेंसी के बारे में तो अंगोला की जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ से बहुत कम है, तकरीबन 7 टाइम्स कम है। यानी एक जो 7 रुपीज़ 7 जो अंगोला की जो करेंसी होगी, बैंको दी अंगोला 500 है जैसे मान लीजिए, जो 7 होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे 1 रुपी के। तो इसकी वैल्यू तकरीबन 700 के आसपास, 70 रुपीज़ के आसपास होगी जो 500 का नोट है। और ये आपको इजीली कलेक्टेबल कलेक्शन के लिए 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अंगोला के बारे में आज आपने जाना, वहाँ की राजधानी के बारे में जाना, उसकी एरिया पॉपुलेशन और वो किन देशों के आसपास है उसके बारे में जाना। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा और अगर आप किसी और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।